लद्दाख के हेम्बो तेंगलाक में आज एक ऐतिहासिक दिन है और इस ऐतिहासिक अवसर के मौके पर मैं मंच पर उपस्थित यहाँ के लोकप्रिय सांसद जामयांग नामग्याल जी, सीईसी फिरोज खान जी, हमारे डीजी दूरदर्शन मयंक अग्रवाल जी, डीजी ऑल इंडिया रेडियो श्री रेड्डी साहब और यहाँ पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष हाजी अब्दुल हुसैन साहब, उपस्थित सभी काउंसलर महोदय, डीसी महोदय, एसएसपी महोदय, सभी अधिकारी, दूरदर्शन के और ऑल इंडिया रेडियो के सभी कर्मचारीगण, मैं सबसे पहले तो आप सबको आज जो इतिहास रचा है, 13,300 फीट की हाइट पर हेम्बो तेंगला में कारगिल से थोड़ी दूरी पर देश का सबसे ऊंचाई पर आज ट्रांसमिशन सेंटर्स दूरदर्शन ने भी और ऑल इंडिया रेडियो ने भी स्थापित किए हैं, उस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। 13,300 फीट, जहां पर काम करना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आज से लगभग 2 हफ्ते पहले जब मैंने काम पूरा करने का आग्रह डीजी दूरदर्शन से किया तो उनकी टीम ने पूरी ताकत लगाकर हमारे पूरे कारगिल के क्षेत्र में, हेम्बो तेंगला में और साथ लगते सारे क्षेत्रों के लिए ये सुविधा मात्र 15 दिनों में दिन रात एक करके पूरी कर दी, जिससे यहां से 50-60 किलोमीटर दूरी तक आपको ऑल इंडिया रेडियो के भी और दूरदर्शन के सिग्नल भी मिलेंगे, आप टीवी भी देख पाएंगे, रेडियो भी सुन पाएंगे और लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इसके लिए उन सभी भाई और बहनों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को भी हम याद करते हैं, क्योंकि अंत्योदय की बात किसी ने की कि पंक्ति में अंत में खड़े के लिए भी व्यक्ति के लिए काम करना है, तो इससे बड़ा काम क्या हो सकता है कि पंक्ति के अंत में तो नहीं, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में भी, जहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी बहुत समय लगता है, कठिनाइयां होती हैं, हमने वहां तक पहुंचने के लिए भी ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है, क्योंकि मोदी जी की सोच है कि हम देश के कोने कोने में सुविधाओं को दें ही, लेकिन लद्दाख का यूनियन टेरिटरी का दर्जा देने का सपना जो था, जो मांग वर्षों से आपकी थी, वो कोई और पूरा नहीं कर पाया, नरेंद्र मोदी जी ने आपकी उस मांग को पूरा करने का भी काम किया। यही नहीं, उसके बाद आर्टिकल 370-35A को हटाने के बाद, आपको यूटी का दर्जा देने के बाद, लगातार विकास के प्रोजेक्ट यहां पर तेजी के साथ चल रहे हैं और उन विकासात्मक कार्यों को भी और सरकारी योजनाओं को भी, प्रोग्राम्स को, पॉलिसीज को भी जन जन तक पहुंचाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो ने बहुत सालों तक और दूरदर्शन ने काम जो किया है, अब उसको और ताकत देने का समय आया है। और ये उसमें एक पहल है, क्योंकि मोदी जी का सपना था कि बॉर्डर के इलाके के सभी जो घर रहते हैं, जिनके पास फ्री डिश नहीं है, उनको भी फ्री डिश दी जाए। 30,000 हमने पहले दे दी थी, अब जो घर रह गए हैं उनको भी फ्री डिश देने का काम इस साल कर दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, ये भी काम पूरा कर दिया जाएगा। जैसा मैंने पहले कहा कि यहां पर बहुत कठिनाइयां भी हैं, मुश्किल टेरेन्स भी हैं और एक प्रोपोगेंडा जो सीमा के पार से होता है, जो दुष्प्रचार किया जाता है, उसको रोकने के लिए भी
और अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए भी ये 10 किलोवाट के ट्रांसमीटर्स जो हमारे दूरदर्शन के भी हैं, ऑल इंडिया रेडियो ने भी अपने लगाए हैं, इनके ऊपर लगभग 21 करोड़ से ज़्यादा का खर्च भी आया है और जो दिन रात एक मेहनत की है ये इस इलाके में देश की हर आवाज़ को तो पहुंचाएंगे ही। लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, आपने कहा कि आधे घंटे का प्रोग्राम लद्दाख के लिए मिलता है, मैं आज यहां से घोषणा करता हूं कम से कम इसको दुगना कर दिया जाए और आने वाले समय में इसको और बढ़ा दिया जाएगा, ताकि आपके कारगिल के कल्चर को, लद्दाख के कल्चर को, लेह के कल्चर को, आपके सारे कल्चर को हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें, यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य को कैमरे में कैद करके दुनिया तक पहुंचाने का काम करें। हमने पिछले कल ही द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल का उद्घाटन किया, पहली बार ये हुआ है और 12 पहाड़ी राज्यों की फिल्मों को आपके लेह में दिखाने की शुरुआत हुई, बड़े बड़े फिल्म स्टार उस पर आए थे, ये अभी शुरुआत है, इसको और बड़ा आने वाले सालों में करेंगे, फिल्म इंडस्ट्री वाले यहाँ पर आकर शूटिंग भी करेंगे तो हमारे यहाँ के लोगों को भी फिल्में बनाने के अवसर मिलेंगे, फिल्मों में काम करने के अवसर मिलेंगे और अलग अलग टीवी के लिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए आप अपने वो प्रोजेक्ट भी बना सकोगे। ये आज से पहले कोई नहीं कर पाया था, ये भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया है। और हमारे MP महोदय, आपने जो द हिमालयन फिल्म फेस्टिवल के लिए सपना देखा था और बहुत कम समय में आपने उसको साकार किया है, मैं आपकी सोच को बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि आज जहाँ हमने कोविड महामारी के समय भी 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन करने का काम किया, पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों में भी आपको कोविड का टीका, कोविड से मुक्ति दिलाने के लिए, बचाने के लिए जो इंजेक्शन, वैक्सीनेशन कराने का काम किया, वो भी बिल्कुल मुफ्त में मोदी सरकार ने 35,000 करोड़ रुपया खर्च करके अब तक 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में करने का काम किया। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा टीकाकरण का काम हुआ है, एक दिन में 2.5 करोड़ से ज़्यादा टीके भी लगे, रोज 1-1 करोड़ टीकाकरण हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि आप सब भी वैक्सीनेशन कराइए। आपने वैक्सीनेशन करवाया है? करवा लिया? बहुत बढ़िया, दोनों डोज भी कुछ लोगों के हो गए, जिनके नहीं हुए वो भी कर ले, बहुत बढ़िया, सबने किया है। मेरे अपने राज्य हिमाचल प्रदेश में भी हमने किया। और मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं, मैं तो उस क्षेत्र में खड़ा हूं, कारगिल में, जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उस समय ऐसी स्थिति बनी थी कि ना जाने क्या होगा, लेकिन भारत के वीर सपूतों ने यहीं पर कठिन परिस्थितियों में अपनी जोश, अपनी वीरता को दिखाते हुए, अपनी शौर्यता को दिखाते हुए ना केवल भारत का 1-1 इंच हिस्सा वापस लिया, बल्कि पाकिस्तानी घुसपैठियों को मौत के घाट भी उतार दिया और खदेड़ कर वापस भेजा था। यह भारत के वीर जवानों ने करके दिखाया था। मैं नमन करता हूं उन वीर जवानों को जिन्होंने अपनी शहादत भी दी, जिन्होंने भारत के लिए युद्ध भी लड़ा, और उस युद्ध में, कारगिल के युद्ध में सबसे ज्यादा शहादत हुई तो मेरे प्रदेश हिमाचल प्रदेश के नौजवानों की, 53 सैनिक हमारे हिमाचल प्रदेश के थे जिनकी जान गई, शहादत हुई, 4 परमवीर चक्र विजेता हुए, उसमें से 2 हिमाचल प्रदेश के थे, कैप्टन विक्रम बत्रा, राइफलमैन संजय कुमार। हम सब लोगों ने इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए, चाहे कारगिल के मेरे भाई बहन हो, चाहे लेह लद्दाख लेह के मेरे भाई बहन हो, बॉर्डर के इलाकों के हों, आप सबने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है आतंकवाद मुक्त करने के लिए भी। और 370-35 से हटने के बाद आतंकवादी घटनाएं भी कम हुई है, आतंकवादियों ने घुसपैठ की तो उनको मौत के घाट उतारा गया है, और जम्मू कश्मीर में भी शांति का वातावरण हुआ है, और लद्दाख में जिस तरह से विकास हुआ है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं
आने वाले सालों में इससे भी कई गुना ज्यादा होगा, क्योंकि जब 370 से हटा और 31 अक्टूबर को आपको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया तो मार्च 2020 में तो लॉकडाउन लग गया, डेढ़ साल तो एक तरह से कुछ काम नहीं हो पाया। उसके बावजूद भी हमने ट्रांसमीटर्स बना भी दिए, लगा भी दिए, चला भी दिए और आगे भी आपके लिए और बहुत सारी विकास के प्रोजेक्ट्स हम लाने वाले हैं, सड़क से लेकर पुल से लेकर रेल से लेकर, जैसे ले का हवाई अड्डा 500 करोड़ रुपए का टर्मिनल उसमें नया बन रहा है, ये भी नरेंद्र मोदी जी ने दिया, जो 70 साल में कोई और नहीं कर पाया वो नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। नहीं तो मैं सोच रहा था हैम्बो टिंगला में कैसे संभव हो पाता, 70 साल में तो कोई नहीं आया यहां हालचाल पूछने, लेकिन मोदी जी ने चाहा कि छोटे छोटे गांव में भी सिग्नल पहुंचे, हर परिवार को रेडियो पर जानकारी मिले, हर परिवार टीवी देख सके, टीवी देखने के लिए सिग्नल भी मिले और साथ में फ्री डिश देकर आपको बहुत सारे चैनल, कितने चैनल मिलते हैं फ्री डिश पर? 161 चैनल्स उस पर आपको मुफ्त में देखने को मिलते हैं। ये भी नरेंद्र मोदी की सरकार की शुरुआत थी, ये अपने आप में दिखाता है कि कैसे काम हुआ। यही नहीं, हेल्थ के बजट को 2.5 गुना ज्यादा कर दिया, सड़कों पर पैसा पहले से ज्यादा किया, देश भर में हवाई पट्टियां बनानी शुरू की और जो हमारे फौजियों के लिए हथियार थे, हवाई जहाज थे, लड़ाकू विमान थे, बुलेट प्रूफ जैकेट थी, ये भी अब देश के अंदर बन रही है, मेक इन इंडिया। नहीं तो पहले विदेशों से हथियार लिए जाते थे, अब हिंदुस्तान में बन रहे हैं। एयरबस के साथ समझौता करके टाटा वाले अब 21,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट उनको मिला है, ये भी हिंदुस्तान में बनेगा, ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये भी हिंदुस्तान के इतिहास में हुआ है। सोच बदली है, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मोदी जी ने जो काम किया है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। यही अगर 40-50 साल पहले दूसरी सरकारों ने शुरू किया होता तो कब से हिंदुस्तान ने अपने हथियार बनाने शुरू किए होते, अपने टैंक बनाए होते, अपनी मिसाइल्स, अपने लड़ाकू विमान बनाए होते, लेकिन हजारों करोड़ की खरीद विदेशों से होती थी, वो देश के अंदर रोजगार भी मिल सकते थे। अब हिंदुस्तान के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हिंदुस्तान के बने हथियार यहां पर भी मिलेंगे, विदेशों में भी जाएंगे, हमारी सेना को मजबूत करने के लिए बॉर्डर पर सड़कों से लेकर पुल से लेकर बाकी सब सुविधाएं देने का काम किया है। वो स्थान जहां पर सड़कें बनाने से अपनी सरकारें कतराती थी, नरेंद्र मोदी जी जब बॉर्डर पर यहां पर चीन की तरफ से अतिक्रमण भी हुआ तब भी हमारी सेना के जवानों ने मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। ये भारतीय सेना के शौर्य की बात है, वीरता की बात है मेरे भाई और बहन। यही नहीं, उस समय भी बॉर्डर पर जाकर नरेंद्र मोदी जी ने सेना का मनोबल बढ़ाया था। हर साल दिवाली पर नरेंद्र मोदी जी सेना के जवानों के साथ उनके साथ होते हैं, अपने परिवार के साथ नहीं, सेना के जवानों के साथ होते हैं। आपको लगता होगा शायद मोदी जी प्रधानमंत्री बने तभी यह हुआ, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं जब कारगिल का युद्ध हुआ उस समय आदरणीय मोदी जी हिमाचल प्रदेश के प्रभारी थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे, हिमाचल के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को, वहां के स्पीकर ठाकुर गुलाब सिंह जी को नरेंद्र मोदी जी अपने साथ लेकर आए, फारूक अब्दुल्ला जी जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री थे उनको लिया और कारगिल में लेकर सभी जवानों से मिलने आए, उनके बंकर में भी गए, उनके टेंटों में भी गए, अस्पताल में उनका हालचाल पूछने गए। ये मोदी जी की मैं उस समय की बात आपको बता रहा हूं जब वो राजनीति में कभी विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री कुछ भी नहीं थे, तब भी सेना के जवानों के लिए वो उनके साथ खड़े होते थे, उनका हालचाल पूछते थे और आज सेना को मजबूत करने का काम भी कर रहे हैं तो नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार में कर रहे हैं। ये फर्क पड़ा है, ये बदलाव आया है और मैं तो कारगिल के अपने भाई और बहनों को कहना चाहता हूं, खेलों की सुविधाओं को आज आप में जाकर आपके क्षेत्र को देखने वाला हूं, क्या क्या सुविधाएं वहां पर बनाई जा सकती,
कहाँ दौड़ने के लिए सिंथेटिक ट्रैक बन सकता है, कहाँ इंडोर स्टेडियम बन सकता है, कहाँ वुशु, कहाँ कराटे, कहाँ जूडो की जा सकती है, वो सब आज देखकर भी जाऊंगा। और खेलों को बढ़ाने के लिए आपके यहाँ पर जो सांसद महोदय ने मांगा था और जो अभी बाकी मांगे भी सीसी महोदय ने भी की, मैं यही कहना चाहता हूँ, हम तो चाहते हैं कि हमारे युवा साथी आगे आएं। और मैं तो खुद पहाड़ी हूँ, छोटे से गांव से आता हूँ, जिला हमीरपुर के गांव सुमीरपुर से, हिमाचल प्रदेश से, फौजी परिवार से हूँ, मैं खुद टेरिटोरियल आर्मी में कैप्टन हूँ, तो मैं जानता हूँ सेना को क्या किन परिस्थितियों में रहना पड़ता है, हमारे युवा खिलाड़ियों को क्या सुविधाएं चाहिए। मैं खुद खिलाड़ी पहले रहा हूँ, इसलिए अपने यहाँ के भाइयों को कहना चाहता हूँ, बहनों को कहना चाहता हूँ, आपको खेलों की पर्याप्त सुविधा नरेंद्र मोदी जी की सरकार देगी, इस बात का विश्वास आपको दिलाने आए। हम इवेंट्स भी करेंगे, पिछले साल तो COVID-19 था, महामारी थी, उसके बावजूद भी हमारे MP महोदय ने, आप कल्पना कीजिए विंटर गेम्स की, ये छोटी बात नहीं थी, मनोबल भी बढ़ाया, खेलकूद को भी बढ़ाया। और मैं चाहूंगा कि आगे भी हम सब इकट्ठे मिलकर ये करें। एक बार फिर 21 करोड़ रुपए की लागत से बने हुए आपके 10 किलोवाट के DD के ट्रांसमीटर और 10 किलोवाट के ऑल इंडिया रेडियो के ट्रांसमीटर के लोकार्पण के अवसर पर, उद्घाटन के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम हेम्बोटिंगला में बने इस सुविधा से, इस 50-60 किलोमीटर के रेडियस में, यानी कि यहाँ से जो 360 डिग्री का आपको व्यू मिलता है सब तरफ को, वहाँ पर आपके सिग्नल जाएंगे, 50-60 हज़ार से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं मिलेगी, और बॉर्डर पार से आने वाले दुष्प्रचार को रोकने का काम और हिंदुस्तान की सरकार की नीतियों कार्यक्रमों को भी जन जन तक पहुँचाने का काम मिलेगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।